बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में सिंड्रेला नाम की लड़की रहा करती थी। सिंड्रेला एक अनाथ लड़की थी। उसके आगे पीछे उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। वो मुर्गियों के अंडे बेचकर अपना गुजारा चलाया करती थी। बेशक सिंड्रेला आर्थिक रूप से थोड़ी कमजोर थी, लेकिन उसका दूसरों के प्रति दया भाव बहुत ही ज्यादा अच्छा था। वो अक्सर मुसीबत में फंसे लोगों की मदद किया करती थी, इसलिए गांव के बुजुर्ग भी सिंड्रेला को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन सिंड्रेला के पड़ोस में ही दो जुड़वा बहनें रहा करती थी, जिनका नाम चिंकी और मिंकी था। चिंकी और मिंकी को सिंड्रेला बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि सिंड्रेला दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, जबकि वो दोनों बहनें दिखने में बस ठीक ठाक ही लगती थी। इसलिए वो सिंड्रेला से खूब जलती थी और हमेशा उसे तंग करने का कोई ना कोई प्लान बना ही लेती थी। ऐसे ही एक दिन जब सिंड्रेला अपनी मुर्गियों के अंडे बेचने के लिए गांव में घूम रही थी, तभी चिंकी मिंकी की नज़र सिंड्रेला पर पड़ती है और वो आपस में बातें करने लगती है। देख मिंकी, आज सिंड्रेला गुलाबी ड्रेस पहनकर, आंखों में काजल, बालों में गजरा लगाकर गांव में घूम रही है, जैसे अंडा बेचने नहीं किसी फैशन शो कंपटीशन में जा रही हो। हाँ बहन, तो बिल्कुल सही कह रही है। पता नहीं ये अपने आप को क्या समझती है। मैं जानती हूँ, ये अपनी खूबसूरती दिखाने के लिए ही पूरे गांव में घूमती रहती है। ये अंडा बेचना तो बस एक बहाना है। सुन, मेरे दिमाग में एक बहुत ही मस्त आइडिया आया है। कैसा आइडिया बहन? आज जब ये अंडा बेचकर अपने साइकिल से घर वापस आएगी, तब हम इसके साइकिल पर बचे हुए सारे अंडे फोड़ देंगे। उसके बाद जब ये रोएगी तो इसे रोता हुआ देखकर बड़ा मजा आएगा। अरे हाँ, फिर तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ऐसी ही बातें करके दोनों बहनें हंसने लगती हैं। तभी गांव में अंडे बेचकर सिंड्रेला अपने घर वापस लौट रही होती है कि चिंकी और मिंकी दोनों मिलकर सिंड्रेला की साइकिल के नीचे नुकीले पत्थर डाल देते हैं, जिस वजह से सिंड्रेला की साइकिल पंचर हो जाती है और अचानक पत्थरों के ऊपर आने से उसके साइकिल का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके सारे अंडे नीचे गिर जाते हैं, जिसे देखकर सिंड्रेला काफी उदास हो जाती है। अरे ये क्या हो गया, मेरे सारे अंडे नीचे गिर गए, मेरा कितना नुकसान हो गया। ऐसा कहकर सिंड्रेला रो ही रही होती है कि तभी वहाँ पर चिंकी मिंकी आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अरे मिंकी, इसकी शक्ल तो देख, कैसे छोटे बच्चों की तरह रो रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई बंदरिया रो रही हो। ये सब तुम दोनों ने किया? तुम्हें शर्म नहीं आती किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान करते हुए? ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। सिंड्रेला की बात सुनकर चिंकी को गुस्सा आ जाता है और वो सिंड्रेला के बाल पकड़कर उसे एक पेड़ में बांध देती है और उसके बाद चिंकी मिंकी वहाँ से भाग जाती है। पेड़ पर बंधी सिंड्रेला जोर जोर से रो रही होती है, तभी वहाँ से गुजर रहे एक राजकुमार के कानों में सिंड्रेला की आवाज पड़ती है। जब वो पेड़ के पास जाते हैं तो सिंड्रेला को देखकर कहते हैं, अरे लड़की, तुम्हें यहाँ किसने बांधा और भला क्यों? मुझे यहाँ पर मेरी पड़ोस की दो लड़कियों ने बांध दिया और फिर मुझे ऐसे ही छोड़कर चली गई। इसके बाद राजकुमार सिंड्रेला को पेड़ से आजाद करते हैं और फिर सिंड्रेला उन्हें लेकर अपने घर ले आती है और उन्हें पानी और अपने हाथों द्वारा बनाया हुआ ऑमलेट खिलाती है। क्या बात है, ये ऑमलेट तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। ऐसा ऑमलेट तो हमारे राजमहल में भी नहीं मिलता। तारीफ के लिए शुक्रिया राजकुमार। राजकुमार को सिंड्रेला का कोमल स्वभाव, निश्चल मन और उसके सभी गुण बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं और वो मन ही मन सिंड्रेला को चाहने लगते हैं। अब रोज ही राजकुमार सिंड्रेला से मिलने लगते हैं और मन ही मन सिंड्रेला को अपनी रानी बनाने की सोच लेते हैं। जब ये बात चिंकी और मिंकी को पता चलती है तो उनके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता। फिर वो दोनों एक प्लान बनाती है। सुन मिंकी, मैं पहाड़ी के पीछे रहने वाली चुड़ैल के पास गई थी ताकि सिंड्रेला को सबक सिखाने के लिए कुछ उपाय ढूंढ सकूं, और उस चुड़ैल ने मुझे ये राख दी है। चुड़ैल ने कहा है कि अगर मैं ये राख किसी के भी खाने में मिला दूं, तो वो इंसान चुटकी बजाते ही बूढ़ा हो जाएगा। बहन, अगर ऐसा हो गया तो राजकुमारी सिंड्रेला की शक्ल भी नहीं देखेंगे और फिर ये सिंड्रेला के बच्चे हमसे भी ज्यादा बदसूरत हो जाएगी। इस तरह का खौफनाक प्लान बनाकर दोनों रात को खाने के वक्त सिंड्रेला के घर पर जाती है। जब वो देखती है कि सिंड्रेला खाना परोसकर कुछ देर के लिए बाहर गई है, तब वो सिंड्रेला के खाने में उस राख को मिला देती है और फिर वहाँ से फटाफट चली जाती है। सिंड्रेला उस खाने को खाकर सो जाती है।
फिर जैसे ही वो सुबह उठती है और अपने आप को शीशे में देखती है तो उसके हैरानी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा बूढ़ी बुढ़िया में बदल जाती है। अरे ये सब कैसे हो गया, मेरा चेहरा, मेरा शरीर, ये कैसे हो सकता है, मैं एक रात में बुढ़िया कैसे बन सकती हूँ। चिंकी और मिंकी बाहर खड़े ये सब देख रही होती है और खुशी के मारे उछल रही होती है। बड़ी आई थी रोज राजकुमार से मिलने वाली, अब देखती हूँ कि राजकुमार से कैसे मिलती है। फिर थोड़ी देर बाद राजकुमार अपने घोड़े पर बैठकर सिंड्रेला के घर पर उतरते हैं। वो सिंड्रेला के घर के अंदर जैसे ही जाते हैं उन्हें एक बुढ़िया दिखाई देती है। राजकुमार उस बुढ़िया से पूछते हैं, अम्मा जी क्या आप बता सकती हैं यहाँ पर सिंड्रेला नाम की लड़की रहती थी, वो कहाँ है? राजकुमार मैं ही सिंड्रेला हूँ। देखिए मजाक मत कीजिए, मुझे सिंड्रेला से मिलना है। राजकुमार मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे खुद नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया, लेकिन मैं सच कहती हूँ मैं ही सिंड्रेला हूँ। लगता है आप मुझे सिंड्रेला से मिलने नहीं देना चाहती इसलिए आप ये सब कह रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं मैं सिंड्रेला को ढूंढ ही लूँगा। ऐसा कहकर राजकुमार वहाँ से चले जाते हैं। सिंड्रेला को समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे, वो दुखी होकर आंखों में आंसू लिए वहीं बैठ जाती है। तभी उसके पास उसकी एक मुर्गी आती है और कहती है, तुम दुखी मत हो सिंड्रेला, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा, तुम मेरे साथ चलो। सिंड्रेला को कुछ समझ नहीं आता कि वो अपनी मुर्गी को बात करता देख हैरान रह जाती है, लेकिन फिर वो अपनी मुर्गी के कहने पर उसके पीछे पीछे जाने लगती है। सिंड्रेला की मुर्गी एक रहस्यमयी जगह पर जाकर रुकती है। जब सिंड्रेला सामने देखती है तो इसे एक बहुत ही बड़ी और सुनहरी मुर्गी दिखाई देती है। फिर सिंड्रेला की मुर्गी कहती है, सिंड्रेला यह मुर्गियों की रानी है, मैं जानती हूँ ये तुम्हारी समस्या जरूर दूर कर देगी। इसके बाद सिंड्रेला की मुर्गी रानी मुर्गी को सिंड्रेला की सारी समस्या बताती है और फिर रानी मुर्गी सिंड्रेला से कहती है, सिंड्रेला तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। पर कैसे, आप मेरी हालत देखिए, मैं एक बुढ़िया के रूप में बदल चुकी हूँ, यहाँ तक कि मुझसे प्रेम करने वाले राजकुमार भी मुझे पहचान नहीं पा रहे। सिंड्रेला जो ये तुम सामने सोने और चांदी के अंडे का घर देख रही हो ये दोनों जादुई हैं। तुम एक काम करो, तुम सबसे पहले चांदी के अंडे के घर में जाओ और उसके बाद सोने के अंडे के घर में जाना। सिंड्रेला रानी मुर्गी के बताए अनुसार सबसे पहले चांदी के अंडे के घर में जाती है। चांदी के अंडे के घर में जाते ही सिंड्रेला का बुढ़ापा गायब हो जाता है और वो पहले जैसी हो जाती है। फिर सिंड्रेला सोने के अंडे के घर में जाती है और वहाँ जाते ही सिंड्रेला के बाल सुनहरे रंग के हो जाते हैं और उसके पुराने कपड़ों की जगह एक बहुत ही सुंदर सुनहरे रंग की ड्रेस उसके शरीर पर प्रकट हो जाती है। ये देखकर सिंड्रेला बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर सिंड्रेला जैसे ही बाहर आती है तो रानी मुर्गी सिंड्रेला से कहती है, अब जाओ सिंड्रेला, राजकुमार के पास जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी आगे की जिंदगी सुखमय हो और जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया अब तुम्हारा बुढ़ापा उसे लग जाए। और होता भी कुछ ऐसा ही है, सिंड्रेला का बुढ़ापा चिंकी और मिंकी को लग जाता है और उन दोनों का अपने किए का सबक मिल जाता है और सिंड्रेला राजकुमार के पास चली जाती है और वो दोनों एक दूसरे से शादी करके अपने आगे की जिंदगी सुखमय तरीके से व्यतीत करते हैं।